उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए थे, बावजूद इसके सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी NH 34 और लोक निर्माण विभाग गड्ढों पर मिट्टी डालकर इसकी खानापूर्ति करने में लगा हुआ था। जब इस खबर को MKN न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तो इस खबर का असर देखने को मिला। जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, गंगोत्री हाईवे में गड्ढों में मिट्टी की जगह अब कंक्रीट डालकर कार्य का शुभारंभ भी किया गया है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से दावा किया गया था कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा और इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अभी भी कई सड़कें ऐसी हैं जहां की हालत जस की तस बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी NH 34 और लोक निर्माण विभाग गड्ढों पर मिट्टी डालकर इसकी खानापूर्ति करने में लगा हुआ था, लेकिन इस खबर को MKN न्यूज की और से प्रमुखता से दिखाया गया और इसका असर भी अब देखने को मिला है। क्योंकि आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने संज्ञान लिया है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तरकाशी से संवाददाता विनीत कंसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार दावे कर रही थी कि कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, क्या लगता है अभी वहां की स्थिति किस तरीके से देखने को मिल रही है? जी आकांक्षा, बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि MKN न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और इसका असर खासा यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने गड्ढा मुक्त करने की जो दावे किए थे, उस दावे को प्रशासन की बात की जाए या BRO लोक निर्माण विभाग या PNSY मिट्टी डालकर उन गड्ढों को भर रही थी, जो कि कल हल्की बारिश के साथ उनका बहना शुरू हो गया, जिसके बाद MKN न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसका असर खासा दिखा है। और अब लगभग उसमें कंक्रीट और कोलतार के साथ ही इनकी पेंटिंग की जा रही है, उनको हिसाब से इसका फंडिंग की जा रही है, और स्वयं जिला अधिकारी मेहरबान बिष्ट ने इससे तत्काल संज्ञान लिया और उसके बाद से इसमें कार्रवाई शुरू हो गई। जी आकांक्षा, विनीत, जिस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि सड़कों की जो स्थिति है उससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अब लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? आकांक्षा, बिल्कुल, लोगों की स्वाभाविक ही है, क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ पर दो पड़ाव है और दोनों पड़ावों में देखा जाए तो NH से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, क्योंकि लोगों में ज्यादातर आक्रोश इसमें भी था, क्योंकि जगह जगह पर गड्ढे थे, कई बड़े बड़े हादसे यहाँ पे होते थे, मगर जिस तरह के हालात यहाँ पे थे, क्योंकि लगातार पेंटिंग की बात दूर तक काफी समय बीत गया था, गड्ढे जस के तस बने हुए थे। कई बार उत्तराखंड सरकार ने स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह नामी ने गड्ढे भरने के आदेश किए, उसके बाद बेसकी क्षेत्रों में गड्ढे मुक्त करने के कार्य शुरू हुआ, मगर इस तरह से प्रशासन की बात है, BRO की बात की जाए या अभी अधिकारियों की बात की जाए तो इसको बजट को ठिकाने लगाने का कार्य यहाँ पर देखने को मिल रहा था, जिससे कि लोगों में काफी आक्रोश यहाँ पे देखने को मिला है। जी ठीक है विनीत कंसवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो सड़कों की मरम्मत का कार्य है वो इस वक्त उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है और लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की जो कोशिश है वो भी जारी है।